ब्रेकिंग न्यूज, बिरला स्टेशन के पास राह चलते एक आदमी को नीली सुपर कार ने ठोक दिया है, जिससे कि उस आदमी की जगह पर मैं एक आत्मा हूँ, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। एक दिन की बात है, एक छोटे से शहर में रोहित नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। रोहित शहर में एक छोटे से गैरेज में काम करके अपना गुजारा करता था। रोहित बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन आगे उसके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ें होने वाली थी। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। एक दिन सुबह उठकर नहा धोकर रोहित जो है अपनी बाइक लेके अपने गैराज जाता है दोस्तों। गैराज जाने के बाद जो है रोहित गाड़ियाँ रिपेयरिंग के काम को लग जाता है। ऐसे ही गैराज में गाड़ियाँ रिपेयर करते करते रोहित अपने बैकयार्ड में टहलने चले जाता है, और जैसे ही यहाँ पर रोहित आता है तो वो यहाँ पर एक कार को देखता है जो कबाड़ा में पड़ी थी। लेकिन वो कार कबाड़ा में पड़े होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी दोस्तों। तो फिर रोहित का दिल जो है उस कार पे आ जाता है। रोहित सोचता है कि अगर ये कार मैं लेके जाऊँ और इसको बनाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगी। और वैसे भी रोहित के पास कोई भी कार नहीं थी, इसलिए रोहित मन ही मन में उस कार के बारे में सोच रहा था। रोहित सोच रहा था वैसे भी ये कार भंगार में ही जाएगी, तो क्यों ना भाई इसे अपने मालिक से बोलकर इसको अपने घर लेके जाओ और इसको बनाओ। तो रोहित सीधा दौड़कर जो है अपने मालिक के पास चला जाता है, और मालिक के पास आने के बाद मालिक जो है रोहित को वो कार देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो रोहित उस कार को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद रोहित उसको बनाने के बारे में सोचता है, और जो है रोहित सीधा अपने मार्केट चला जाता है कार के जो है मतलब कार के पार्ट्स लेने। तो कार के पार्ट्स लेने के बाद रोहित अपनी गाड़ी पर काम शुरू कर देता है। काम शुरू करने के बाद रोहित उस कार को पूरा बना देता है, लेकिन गाड़ी बनने के बाद भी उस कार में एक प्रॉब्लम थी कि वो कार बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए रोहित जो है आधा काम छोड़ के अपने घर में सोने निकल जाता है, क्योंकि रोहित बहुत ज़्यादा थक चुका था कार को जो है बना के और गैरेज में भी काम करके। तो रोहित के दिल में एक चिंता सता रही थी कि आखिर ये कार स्टार्ट होगी क्या, क्या मैं इस कार को स्टार्ट कर पाऊँगा। तो रोहित ये बात सोच के अपने घर में आ जाता है। तो कार के बारे में सोचते सोचते रात हो जाती है। रात होने के बाद खाना खाकर रोहित अपने बेड पे सो जाता है। जैसे ही रोहित सुबह उठता है तो वो नहाने चले जाता है। नहाने के बाद जो है रोहित यहाँ पर नाश्ता करने आ जाता है। नाश्ता करने के बाद रोहित सीधा अपने हॉल में आ जाता है। नीचे नीचे आने के बाद जो है रोहित अपनी टीवी स्टार्ट कर देता है और न्यूज़ लगाता है। ब्रेकिंग न्यूज़, बिरला स्टेशन के पास राह चलते एक आदमी को नीली सुपर कार ने ठोक दिया है, जिससे कि उस आदमी की जगह पर ही मौत हो चुकी है। एक्सीडेंट करने वाली नीली कार और उसका मालिक अभी तक फरार है, पुलिस की तलाश जारी है। अगर आपको ये कार कहीं पर भी जो है नज़र आ जाती है तो कृपया कर पुलिस को कॉल कीजिएगा। न्यूज़ देखने के लिए। तो न्यूज़ देखने के बाद रोहित जो है डर जाता है, तो इसके लिए रोहित अपने दौड़कर गैरेज के पास चला आता है अपनी कार को देखने के लिए। और जैसे रोहित अपने गैरेज के पास पहुंचता है तो वो देख के हैरान हो जाता है, उसकी कार वहीं पर खड़ी थी। और यही नहीं, जो है उसकी कार यहाँ पर स्टार्ट हो रखी थी, मतलब पता नहीं कैसे अचानक से उसकी कार जो है स्टार्ट हो रखी थी। तो इसको देखकर रोहित जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भूल जाता है वो न्यूज़ को। तो रोहित क्या करता है, सीधा जो है अपने कार में बैठता है, क्योंकि फाइनली जो है उसकी कार स्टार्ट हो रखी थी। तो जैसे ही रोहित यहाँ पर बैठता है तो वो सीधा घूमने के लिए निकल पड़ता है अपनी कार को लेकर। तो रोहित उस न्यूज़ को भी भूल चुका होता है अपने कार के स्टार्ट होने की खुशी में, इसलिए रोहित लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ता है अपनी कार को लेकर। इसके बाद सड़क पर रोहित यहाँ पर पीछे देखता है तो अचानक से जो है रोहित के पीछे पुलिस पड़ जाती है। तो रोहित बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर मेरे पीछे पुलिस क्यों पड़ रही है, पुलिस मेरा आखिर पीछा क्यों कर रही है। तो रोहित यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी रुका देता है दोस्तों, कि आखिर पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है और आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों रोहित को पकड़ के पुलिस सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाती है और जो है उसकी कार भी जब्त कर लेते हैं। तो इसके बाद जो है कोई भी सबूत ना मिलने के बाद पुलिस जो है रोहित को छोड़ देते हैं। तो पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं रहता कि वही कार है जिसने एक्सीडेंट किया हुआ है। उस कार पर एक्सीडेंट की कोई खरोच भी नहीं थी, इसलिए रोहित जो है अपनी कार लेकर सीधा अपने घर चलता है। और रोहित काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि आखिर वो फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन में गया था। तो रोहित सीधा अपने गैराज आता है और अपने गैराज में अपनी कार पार्क कर देता है। कार पार्क करने के बाद जो है रोहित डर डर के अपने घर में जाता है। तो कार के डर के कारण रोहित यहाँ वहाँ घूमता है। इसके बाद जो है अचानक से रात हो जाती है। रात होने के बाद जो है रोहित अपने बेड पर सोने के लिए जाता है, लेकिन रोहित को कोई भी जो है नींद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी रोहित जो है सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही रोहित को जो है अपने घर के बाहर एक गाड़ी की साइरन सुनाई देती है, उसका हॉर्न सुनाई देता है। रोहित यहाँ पर जैसे बाहर देखने आता है तो वो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कार जो है उसके घर के सामने गैरेज से निकल कर खड़ी थी।
तो रोहित ये सोच के डर जाता है कि आखिर कार बिना ड्राइवर के बाहर कैसे आई। तो रोहित को जो है डर लगता है, इसलिए रोहित कार को छोड़ के सीधा अपने घर में भागता है और कैसे भी करके चद्दर ओढ़ के अपने बेड पर सो जाता है। तो अगले दिन रोहित जैसे उठता है, वो बिना नहाए धोए बाहर निकल जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और उसको मिलने के लिए बोलता है और अपनी बाइक लेके रोहित सीधा अपने फ्रेंड के पास चला जाता है। फ्रेंड के पास आने के बाद रोहित उसको सारी बातें बता देता है। तो ये सुन के उसकी फ्रेंड भी हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुमको इससे बचना है तो तुमको शहर के पास एक यहाँ पर जंगल में बाबा रहते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान तुमको वहीं पर मिलेगा। तो रोहित सीधा अपनी बाइक लेके जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में आने के बाद जो है रोहित उस बाबा को ढूंढता है। जंगल भी बहुत ही बड़ा और भयानक था दोस्तों, इसलिए रोहित जंगल में घूमते घूमते बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते डरते बाबा को ढूंढने लगता है। तो एक पेड़ के नीचे रोहित को बाबा दिख जाते हैं। तो रोहित बाबा के पास चला जाता है और बाबा को जो है सारी सच्चाई बता देता है। तो बाबा ये सब सुनकर उसको एक उपाय बताते हैं, अगर तुमको इससे बचना है तो तुमको उस कार को जलाना होगा। तो रोहित यहाँ पर सीधा जो है उस कार को जलाने के लिए निकल पड़ता है। तो रोहित बाइक लेके अपने घर आ जाता है और डर डर के जो है गैरेज के पास दौड़ के जाने लगता है। डर डर के रोहित गैरेज के पास आ जाता है और कार को देख के डर जाता है, लेकिन रोहित कैसे करके हिम्मत करके उस कार में बैठ जाता है। और बैठ जाने के बाद रोहित जो है उस कार को चलाता है और सुनसान जगह पर उस कार को जलाने के लिए लेके जाता है। कार को जलाने के लेके आने के बाद रोहित कार को जलाने की तैयारी करता है और जो है रोहित कार पर बॉम्ब फिट कर देता है, जिससे कि जो है वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। तो अचानक से उस कार में से धुआं निकलने लगता है और सफ़ेद कलर की रोशनी जो है उस कार से बाहर आती है और वो रोहित को बोलती है, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो ये सुन के रोहित थोड़ा डर जाता है, लेकिन ठेम के रोहित जो है उसको पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तब वो रोशनी कहती है, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं एक आत्मा हूँ, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, मेरे दो पार्टनर थे, अचानक से उनके मन में लालच आ गई और मेरी कंपनी और मेरा पैसा हड़पने के लिए उन्होंने मुझे मार डाला और इस कार में बैठा कर एक्सीडेंट केस करवा दिया और मुझे जो है इस कार के साथ एक तालाब में फेंक दिया। इसलिए मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, मेरा अभी भी एक पार्टनर जिंदा है, मैं उसको मारना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे मत जलाना। अगर तुम मुझे जला देते हो तो मैं यहाँ पर ही बस मोड़ जाऊँ, तो प्लीज मुझे मत जलाना। तो ये सब सुन के रोहित को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए रोहित उस कार को जाने देता है और सीधा वहाँ से अपने घर पे चला आता है। घर पे आने के बाद रोहित शांत हो जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार जो है मेरा उस गाड़ी से पीछा छूट गया। रोहित सीधा अपने घर में आकर सो जाता है और आराम करता है। रोहित शाम को अपनी न्यूज़ चालू करके देखता है तो क्या उस कार ने जो है उसके दूसरे पार्टनर को भी मार दिया है, जो न्यूज़ पर खबर आ रही थी दोस्तों। तो ये सब देखने के बाद रोहित अगले दिन से अपने काम पर चला जाता है। तो काम करने के बाद रोहित सीधा घर पर आ जाता है और घर पर आ जाने के बाद रोहित सीधा खाना बनाने लगता है। खाना खाने के बाद रोहित थोड़ा आंगन में टहलता है और इतने में ही रात हो जाती है। तो रोहित अपने बेड पे जाके सो जाता है। सोने के बाद आधी रात को रोहित को गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है। रोहित बाहर निकल के देखता है तो क्या वो टार्जन कार फिर से उसके गेट के सामने खड़ी हुई है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप जानना चाहते हो इसके आगे वाले स्टोरी में रोहित के साथ क्या हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पार्ट टू के लिए बताइएगा। आप जितनी ज़्यादा पार्ट टू के लिए कमेंट करोगे उतनी जल्दी जो है पार्ट टू इसका आ जाएगा दोस्तों। अगर आप ऐसे स्टोरी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में लगे